मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ कैसे हो आप सभी, और राधे राधे आप सभी को। तो अभी मेरी सुबह हो चुकी है और घर का सबसे पहला काम होता है झाड़ू करना, उसके बाद अपना नहा धो के पूजा पाठ करना, तो ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। और अब एग्जाम आने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, बस 13-14 दिन का ही टाइम है हम सभी के पास। अब उजाला हो गया है और थोड़ी सी धूप भी कम हो गई है। अब कितने बज रही है, 8 बज रही होंगी, 8:30 हो रही है। तो अब चलती हूँ नीचे वॉक करने, तो स्वेटर पहन ली मैंने और अब चलते हैं नीचे वॉक करने, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। गाइस टहलते टहलते मैं आ गई हूँ ऑफिस की गेट के पास, और हम लोग जा रहे हैं बड़े वाले पार्क घूमने, क्योंकि ये भी मुझे मिल गए थे तो हम लोगों ने सोचा चलो बड़े वाले पार्क ही चलते। तो गाइस ये है हमारा पार्क, बड़ा वाला सुंदर सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और ग्रीनरी आप लोग देखो। ये किसी एक का नहीं है, तो यहाँ पे सभी घूम सकते हैं। सीसी सर भी, यानी कि चीफ कमिश्नर, ITO, MTS, टैक्स असिस्टेंट, सबके सब यहाँ पे आओ, आराम से मजे करो। और जब कोई फंक्शन कराना होता है ना, तो हमारे यहाँ इसी पार्क में होता है, जैसे होली का हुआ या कुछ वैसा, भांगड़ा वगैरह, तो सब यहीं पे होता है। तो ये वाली जो ग्रीन घास है ना, इस पे लोग ये कहते हैं कि नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है, पर मैं नहीं चलूंगी क्योंकि मुझे ठंड लगेगी, और ठंड बहुत मुझे लगती है यार, पता नहीं क्यों मुझे गर्मी ठीक है। भैया ये देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं, और ये अपना नल वगैरह लगा हुआ है, उधर भी नल लगा हुआ है। और आपको पता है यहाँ पे एक सांप निकला था, हम लोग ऐसे टहल रहे थे और एकदम से सामने से आके फिर यहीं चला गया। फिर कुछ दिन हम लोग नहीं आए इस पार्क में, बट अब आने लग गए हैं, कब तक कोई डरेगा। तो अब मैं 3-4 चक्कर लगा लूंगी, फिर हम लोग जाएंगे चाय पीने एक ITO में उनके घर, क्योंकि उन्होंने अभी रास्ते में कहा था कि रश्मि आ जाओ साथ में चाय पियेंगे, टहल ही तो रही है। मैंने कहा ठीक है 2 मिनट में आते हैं, तो चलिए जल्दी से टहल लेते हैं हम लोग। इनसे भी मिल लीजिए, रुकिए रुकिए, ये अभी साइकिलिंग करके आए हैं, और ये पत्तियां, तो बड़ा मजा आता है मुझे इस फाउंटेन पे चलने में। ये देखिए अब मैं आ चुकी हूँ ये Type 4 के क्वार्टर से, और अगर आपको इसका ब्लॉग चाहिए होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स के कैसे क्वार्टर होते हैं, तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो में ही शेयर करूँ आपके साथ। तो अंदर आवाज़ आ रही नहीं, सभी लोग बातें कर रहे हैं, मैं बाहर आ गई थी ब्लॉग बनाने के लिए। ये भी बहुत टफ काम होता है, ब्लॉग बनाना भी इजी नहीं है। तो अब मैं चलूँगी जब अपने रूम पे, फिर मिलूँगी। तो अब चलते हैं रूम में अपने, कहाँ गए, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। धूप बढ़िया हो गई है, और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट बना दो ताकि ये ऑफिस चले जाए नहा धो के तैयार होके। क्या फोन मेरा आपका, ठीक है ला रही हूँ, तो 2 मिनट रुक जाइए गाइस। अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, एक तरफ चिली पनीर और एक साइड रोटी। रोटी तो ऐसे ही बना रही हूँ, अगर इन्हें चिली पनीर खाने का मन ना होगा तो पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, अब इसे करूंगी फ्राई, और इसमें मैंने लगाया मैदा। सो गाइस जब तक ये पनीर फ्राई हो रहा है, तब तक मैं फटाफट 2 रोटी सेक देती हूँ। पनीर फ्राई हो चुका है, उसे कटोरी में खाली कर दिया, और बड़े बड़े पीसेस में मैं डालूंगी इसमें प्याज और एक शिमला मिर्च, क्योंकि चिली पनीर है तो ज्यादा पड़ेगा। और अब इसमें डालूंगी मैं विनेगर, सोया सॉस, टमाटो केचप, और थोड़ा सा मैदे को ना गीला कर लेंगे, और उसके बाद इसमें डाल देंगे। इसमें पड़ेगी 2 चुटकी चीनी और 1 चुटकी भर नमक। आज मैं साथ में नहीं खाऊंगी वरना बहुत लेट हो जाऊंगी। बाय। अभी ये चले गए हैं ऑफिस और मैं हो गई हूँ फ्री, तो मैं करने जा रही हूँ स्क्रब, क्योंकि ठंडियों में मेरी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है। तो मैंने लिया शहद, हल्दी और थोड़ी सी चीनी, उसको अच्छे से मिक्स करके ना ऐसे फिर अपने फेस पे लगाएंगे।
इसे एकदम हल्के हाथों से करना होता है, बहुत ऐसे कर दोगे ना तो स्किन आपकी छिल जाएगी। और इसे लगाने के बाद मैं 15 मिनट तक ऐसे छोड़ दूंगी, उसके बाद फेस वॉश करूंगी। नॉर्मल पानी से फेस वॉश नहीं यूज करूंगी, और फिर इसको साफ करूंगी जो मैंने गंदा कर रखा है। तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, ये रियल में बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और टर्मरिक के फायदे तो आप सभी को पता ही होंगे, हनी के भी। तो इसे मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया, और फेस वॉश करने के बाद अब आपसे मिलती हूँ। A few moments later. अब मैंने फेस वॉश कर लिया, और आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मैं खाना भी बनाऊँ। अभी मैं पढ़ रही थी साइंस, और ये बुक बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना कि साइको के नोट्स के लिए कैसे करें, क्या तैयारी करें सीटेट के लिए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम भी नहीं है उतना। ये एक पेज अलग से पियाजे का सिद्धांत मैंने लिख रखा था, जीन पियाजे का। सो गाइस, सबसे पहले मेरी नोट्स देख लीजिए आप लोग। ये नोट्स है मेरी जब मैं डीएलएड के बाद यूपीटेट की तैयारी कर रही थी फर्स्ट टाइम, तब की थी। तो मैंने खुद से बनाई थी, कोचिंग कहीं नहीं किया था, और ये सारी ऑनलाइन पढ़ी हुई नोट्स, मतलब जो मैं एक एक टॉपिक पढ़ती थी ना उसको नोट्स बना के लिख लेती थी। सबसे बड़ी चीज आप, मुझे लगता है ऐसा लड़कियां ऐसे करती हैं, नोट्स कलरफुल बनाती हैं ना, मैं भी कलर लगाती थी। आप लोग देख सकते हो लड़कों की नोट्स एक ही कलर में होती है, बट कलरफुल होने से ये होता है कि जो चीज़ अलग टॉपिक शुरू हुआ है, जैसे यहाँ पे शुरू हुआ था किशोरावस्था, तो ये अलग टॉपिक है, ये दूर से दिख रहा है। और इसके जनक कौन है ये आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि आई थिंक वीडियो में दिख नहीं रहा होगा। तो आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए यही है कि किशोरावस्था के जनक कौन है, और उसके अलावा सारा मतलब सिद्धांत वगैरह आप लोग ऐसे मार्क बना बना के कर सकते हो डिजाइन, उससे क्या होता है ना अच्छा लगता है। और कई दिन बाद जब आप बुक या कॉपी अपनी खोलोगे तो अच्छा ही लगेगा, और तुरंत तुरंत आपकी पढ़ाई हो जाएगी। संवेग और प्रवृत्ति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक ना एक आता ही है इसमें से। और इसके अलावा देखिए दो चार चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी जो कि सिद्धांत वगैरह होती है वो आता है, और पेडागोजी तो हर कोई आराम से कर लेता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाना, पढ़ाई करना, घर के काम करना सब आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो मैं यूट्यूब अभी बंद भी नहीं कर सकती कि वीडियो बंद कर दो बनाना, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया और 2-3 महीने ही हुए मार्केट रात में। तो अभी चल रहे हम लोग मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं कहीं नहीं गई थी, और मैंने कहा कि जब से आपका ऑफिस लेट हो गया ना अब तो शाम को निकलने का कोई टाइम ही नहीं मिलता है, तो क्या था ठीक है चलो ऐसे ही लखनऊ पहुंचा दे बाइक से, तो मज़ा आ जाए। मुझे कार नहीं पसंद है, मुझे बाइक पे घूमना पसंद है ज़्यादा कार से। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी शॉप पे, हमें क्या लेना था ये आपको अभी पता चलेगा। सो गाइस, हम लोगों ने लिया था बस ऐसे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह, तो मैंने ले लिया है सामान। और अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा चावल लेने, राशन का सिर्फ चावल लूंगी और कुछ नहीं। सो गाइस, अब हम लोगों ने खाना खा लिया है, और टाइम हो रहे हैं 12:15 के आसपास रात में। तो अब ये खाना खा के पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी वीडियो में इनको लूंगी। अब इन्हें टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मेरी वीडियो में नहीं आ पाते, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लोग इन्हें याद कर रहे हो। तो चलिए आज आप लोगों से यही बातें करेंगे। आप लोग कैसे हो, ठीक ठाक है? और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़िए, जैसा कि एग्ज़ाम की डेट आप लोगों को पता है 1 से 13 दिसंबर के बीच है, तो ज़्यादा समय तो नहीं बचा है। और अभी आपकी मैडम ने कहा कि वीडियो में, क्योंकि अभी 12:15 बज रहे हैं, तो ऑफिस से आने के बाद अब मैं तो ऑफिस से बहुत लेट में आता हूँ, तो टाइम भी नहीं मिलता है, इतना थक जाता हूँ, मेंटली भी थक जाता हूँ, और फिजिकली मतलब इतना काम रहता है कि पढ़ने को मेरे पास भी समय नहीं है। आके थोड़ा सा नींद लग रही है फिर भी बैठ के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं करोगे ज़िंदगी में, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैं जॉब में हूँ अभी, फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपने होम स्टेट जाना है। हमारे यहाँ कई सारे लड़के 2019 बैच के आए हैं टीए, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं 2020 के सीजीएल में सेलेक्ट हो चुके हैं, और जो नहीं भी सेलेक्ट हुए हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये सोचो कि अगर हम लोग जॉब में रहते हुए इतना काम करते हैं ऑफिस में, ऑफिस के बाद आते हैं फिर भी अगर रात में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग अगर जिसके पास जॉब नहीं है तो वो अपना
ज़्यादा से ज़्यादा 100% देने की कोशिश करें, और उनके पास अभी जोश है, उनके पास टाइम है पढ़ने के लिए, हम लोगों के पास टाइम तो नहीं है, बट यही है कि एक्सपीरियंस है, आपका टाइम और हमारा एक्सपीरियंस, आपके बराबर तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप लोगों के पास दिन में भी टाइम है पढ़ने के लिए, रात में भी है। हम लोग दिन में, आप समझो कि मैं तो टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ नहीं सकता, क्योंकि दिन भर ऑफिस में बैठना पड़ता है, सारा दिन बैठ के इतना थक जाता हूँ कि आके बिस्तर में बैठ के किसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, और नींद इतनी लग रही है भयंकर कि पूछिए ना, फिर भी पढ़ना है, क्या करें, पेपर है, ज़्यादा समय तो मेरे पास भी नहीं है, अभी जो 12-13 दिन बचे हैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है तो चलो ठीक है, पास हो जाएंगे, देखते हैं आगे कैसे, मेंस के लिए क्या तैयारी करनी है। लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़ो, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन नए बच्चों से तो है ही है, साथ में जो एक्सपीरियंस है या ऑलरेडी कहीं जॉब में है उनसे भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर जोन में पड़े हुए हैं और वो अपने होम स्टेट आना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने रिजल्ट अगर एनालाइज किया हो तो उसमें 2020 या 2019 में जो टॉपर में भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर ना लेके टीए लिए हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने होम स्टेट में रहना है। हर कोई चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो और अपने होम स्टेट में मिल जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। जैसा कि अगर मुझे अगर 2022 सीजीएल से अगर कोई भी पोस्ट मिल जाती है, टीए भी मिल जाए, तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा, लियन रहेगा, फिर मुझे होम स्टेट में जॉब करने में, क्योंकि मैं जो लास्ट सैलरी यहाँ विड्रा कर रहा हूँ वो मुझे अपने घर में मिल जाएगी, अपने स्टेट में मिल जाएगी, लेकिन सैलरी हम जो यहाँ पे विड्रा कर रहे हैं वही मिलेगी वहाँ पे। और लियन भी रहता है कि अगर आप हम 2 साल हमें वहाँ नहीं पसंद आया तो वापस पेरेंट डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ कि आप लोग कहते हो मैं बीए कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं डिसेबल्ड हूँ पर्सनली, कोई आँख का चश्मा लगा के, आप लोग दिमाग से एक चीज निकाल दो, क्योंकि एसएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हैंडीकैप, आंखों में अगर चश्मा लगा है, आप बीए कर रहे हो, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, सब सेलेक्ट बंदे होते हैं। कोई हाइट लेके इशू होता है कि मेरी हाइट इतनी है, कोई इशू नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या किसी कोई एक दो डिपार्टमेंट है जहाँ पे फिजिकल या मेडिकल होता भी है फिजिकल, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होता है इनकम टैक्स में। इसलिए आप लोग उस तरफ ध्यान ना देके केवल पढ़ाई पे फोकस करिए और मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। और आप ये समझो कि आप लोग जितना मेहनत करोगे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदे हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो अलग बात है उनके पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने के लिए, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है तो वो एग्जाम तो पास कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग अभी यंग हो, जो भी वीडियो देख रहे हो या जो भी इनके मैडम के चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो, आप लोग पढ़ना चाहते हो दिल से तो मेहनत करो। 12-13 दिन जो भी आपके पास मौका है, आप टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। रही बात, अब तो इंग्लिश और मैथ का भी ख़त्म हो गया, हम लोग भी प्राइमरी के पढ़े हुए हैं, प्राइमरी से पढ़ा, सिंपल बीए किया, कुछ किसी तरफ नहीं गया, बस मुझे ये था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। गांव से परिवेश से निकल के आया हूँ बाहर, ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया है, तो इसलिए, लेकिन अभी जहाँ मुझे इससे और अच्छी जगह जाना है इसलिए मैं भी तैयारी करता हूँ। थोड़ा सा परिस्थिति है या ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, अभी मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वहाँ से ऑफिस से भी मुझे 9-10 बज जाते हैं आने में, हो सकता है आने वाले समय में रात रात भर काम करना पड़े। तो ये जीवन के पार, मतलब लाइफ के पार्ट्स हैं कि करना है काम, ऑफिस में नौकरी अगर आपको करनी है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा। एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और अच्छे से पढ़िए, अच्छा बुक पढ़िए, अच्छा मॉक टेस्ट दीजिए, और कम से कम डेली आप अभी आज के समय 5-6 घंटे तो डेली ही पढ़िए। आप बिल्कुल फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है तो इतना कोई इशू नहीं है। प्री क्वालिफाई करिए, मेंस के लिए जीएस और करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार के मेंस में सीजीएल में जीएस का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, जो लड़के सीजीएल तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश भी अच्छी एवरेज तो होती ही है, लेकिन जीएस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो इसलिए आप लोग अभी से जीएस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आप लोग सिलेक्शन लीजिए, अपने मम्मी पापा सबके घर वालों के सपने को पूरा कीजिए, और आप भी एक अच्छी लाइफ
बिताइए अपने परिवार के साथ, क्योंकि सबकी एक इच्छा होती है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। तो गवर्नमेंट जॉब मिलना आजकल मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, तो इसलिए पढ़ाई करिए। कोई भी क्वेरी है, कोई कुछ भी जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन हमारी यही तमन्ना है कि आप लोग मेहनत से, मतलब ईमानदारी से पढ़िए, ये नहीं कि किताब खोल के बैठे हो और पढ़ नहीं रहे हो। ईमानदारी से मेहनत करिए और डेली 2-3 मॉक टेस्ट लगाइए, आप लोगों का प्री निकल जाएगा। हमारे तरफ से आप लोग के ऑल द बेस्ट। जैसा मेरे पास टाइम रहेगा, मैं अगर वीडियो में आ सकूंगा तो फिर से आ जाऊंगा। हो सकता है शॉर्ट वीडियो भी आए तो शॉर्ट वीडियो में भी आप देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है युवराज को, और अगर आप लोग चाहते हैं आने वाले वीडियो में आपका नेम लूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट लिखिएगा। और मेरी हर वीडियो आती है मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइज़।